अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बिरयानी की रेसिपी देने जा रहे हैं जो मेरी बहू ने बनाई है, हम आज हम वो शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल का बटन उसे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गोश्त को अच्छी तरह वॉश करके कुकर में डाल दिया है, प्याज डाल दिए, पहले प्याज डालिए, गोश्त डाला है, अब सारे मसाले डाल रही हैं उसके अंदर। ये 1.5 kg बीफ का गोश्त लिया था, सारे मसाले वो उसके अंदाज से डाल रही है। अभी तक आपने मेरे बनाई हुई आपने बिरयानी देखी थी, आज मेरी बहू के बिरयानी शेयर कर रही हूँ मैं। नमक भी ऐड कर दिया, अदरक लहसुन, भुनाई भी अच्छी तरह हो गई। गरम मसाला 2 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है, माशाल्लाह से कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये गरम मसाला उन्होंने चावल में डालने के लिए निकाला है, चावल बॉईल करने के लिए रख दिए। गरम मसाला डाल दिया, नमक डाल देंगे अब। ये नमक ऐड कर दिया, चावल बॉईल हो चुके हैं हमारे, ये देखिए कितने अच्छे बॉईल हुए। ये नींबू का रस निकाल के रखा है, इसमें ग्रीन कलर ऐड करेंगी, फूड कलर। ये तेल लगा रही हैं इसमें, माशाल्लाह से सब चीज़ मैंने जब मुझे चखाया था इसका मसाला, सब चीज़ परफेक्ट थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। मेरी बहू ने सारा उसमें जितना भी सब मसाले वगैरह जो डाले हैं सब अपने अंदाज से डाले हैं, आज मुझसे कुछ भी नहीं पूछा उसने बनाते टाइम। कलर ऐड कर रही हैं इसके अंदर, फिर से तेल लगा रही हैं गोश्त की। देखिए चावल भी कितने अच्छे से कुक हुए हैं। फ्राई करी हुई प्याज डाल रही हैं, अब इसको दम पे रखेंगे।
15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। ये घी ऐड कर रही हैं, इसमें 3-4 स्पून घी का डालेंगे ताकि इससे इसका अच्छा फ्लेवर आए घी का भी, इसमें एक सोंधापन सा आ जाता है। इसको कवर कर दिया अच्छे से। अब हम डिश आउट करेंगे। देखिए हमने डिश आउट कर लिया है। वाकई मैंने टेस्ट की, बहुत लजीज बनी है बिरयानी। आप भी ये देखें, वॉच करें और ट्राई करें। मेरी बहू ने बहुत बढ़िया बनाई है बिरयानी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स करके बताना ना भूलें कि आपको कैसी लगी ये डिश बिरयानी की। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।